वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश बाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग ना मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, बच्चों को मैंने खाना दिया है और उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस अपने लिए 2-4 बिस्किट रख लूँ और साथ थोड़ी सी चाय पी लूँ। अभी बस मैंने ये बिस्किट खाए और थोड़ी सी चाय पी है, उसके फ़ौरन बाद मैं अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ। आपको पता है सुबह उठते ही बस काम शुरू होते हैं और फिर सारा दिन गुजर जाता है, ये काम ख़त्म ही नहीं होते। हमें खुद छोड़ के बैठना पड़ता है लेकिन ये काम खुद हमें छोड़ते ही नहीं है। खैर, मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टोव को क्लीन किया क्योंकि मैं रोज़ ही ऐसे करती हूँ। सबसे पहले मैं स्टोव क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर जो बड़े बर्तन होते हैं ना वॉश करके, वो डायरेक्ट इसी के ऊपर रख देती हूँ। जैसे कि हमारे रोज़ यूज़ होने वाले बर्तनों में दूध वाला पैन है, कुकर है, और जो ये वाला पैन है ना जिसको मैं अभी वॉश कर रही हूँ, ये सब जो है ना सारा दिन यूज़ होते हैं, तो इसीलिए इनको पहले मैं वॉश करके एक ही दफ़ा मैं स्टोव के ऊपर रख देती हूँ। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे बर्तन सुबह नाश्ते में यूज़ करते हैं मेरे हस्बैंड, फिर वो सारे जब मैं उठती हूँ ना फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। तो बस सबसे एंड पे जिससे मैं सारे पूरे किचन की सफाई करती हूँ ना, ये किचन टॉवल, इसको मैं वॉश करती हूँ। इसको बस सिंपल मैं फेरी लगा के हल्का नीम गर्म पानी लगा के हाथ से बस थोड़ा सा मल लेती हूँ और ये अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस तरह बस मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद फिर बड़ा मज़ा आता है, खाना बनाएं जो मर्ज़ी करें, बड़ा सुकून होता है कि बस अब और कोई इधर उधर के काम नहीं है। तो बस जैसे ही मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं अपना बेड बना लूँ, फिर साथ ही मैं सिटिंग एरिया थोड़ा सा समेट देती हूँ और फिर किचन में आ जाती हूँ। और झाड़ू ब्रश जो भी है ना वो तकरीबन मैं बाद में ही लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे छोटे छोटे हो ना घर में तो बहुत बखेरा डालते हैं। सारी सफाइयाँ कर भी लो, पूरी सफाइयाँ कर लो, फिर भी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं किया हुआ। लेकिन जैसे मैं दोपहर का खाना बना के फ्री होती हूँ ना, फिर ब्रश या वैक्यूम जो भी लगाना हो मैं ज़रूर लगाती हूँ दोपहर के टाइम में। तो इस तरह फिर किचन में भी जो थोड़ा बहुत मैस हो जाता है, नीचे खाते बनाते कुछ गिरता है, वो भी साफ़ हो जाता है, पूरा घर दोबारा से क्लीन हो जाता है। समझ लें मेरी ना 2 से 3 दफ़ा घर की सफाई होती है पूरे दिन में। खैर, अभी हम खाने की तरफ आ जाती हैं। आज दोपहर को मैंने बनानी थी फलियाँ, ये मैंने पहले निकाल के रखी थी। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपने पूरे हफ्ते की ना तैयारी करके रखी हुई है कि क्या बनाना है, पूरा मेन्यू वगैरह पहले मैंने सोच लिया था। तो आज मैंने आलू फलियाँ बनानी थी। आपको पता है इसको निकालना पड़े ना अगर तो 1 घंटा पूरा लग ही जाता है, लेकिन निकली हुई पड़ी थी, मुझे बड़ी आसानी होगी। बस मैंने ऑयल के अंदर प्याज डाला, जैसे वो ब्राउन हुआ फिर अदरक लहसुन हरी मिर्च का क्यूब ऐड कर दिया, फिर उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से भून लिया। जब ऑयल सेपरेट हुआ तो फिर घर के सारे मसाले डाल दिए, वो भी अच्छी तरह से हमने भून लिए। उसके बाद बस आलू और फलियाँ वॉश करके इसमें ऐड कर दिए और अभी हम इसको हल्की सी आंच पे बनाएंगे। और इसमें मैंने ना तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने योगर्ट ऐड किया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने शोरबे वाली नहीं बनानी थी, मैंने बिल्कुल ऐसे ना जैसे मसाले वाली होती है इस तरह की आलू फलियाँ बनानी थी। बस एंड पे मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया और गरम मसाला ऐड किया, इससे ऐसे खुशबू आती है ना, यकीन करें जैसे देगी खाना बनाया होता है ना इस तरह से, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे बहुत पसंद है ज़ीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया, इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है और अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। ये खाना मैंने शाम के लिए बना के रखा है क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम में घर पे नहीं होंगी तो खाना बना हुआ होगा, दादा बू जब मर्ज़ी रोटी खा लें उनको टेंशन नहीं होगी, इसीलिए मैंने शाम का खाना पहले बना के रख लिया है। लेकिन दोपहर में हमने हाशी बाशा वाले राइस खाने थे इसीलिए मैं ये चटनी बना रही थी। ये बहुत अच्छी लगती है, हाशी बाशा के साथ ही मैंने भी पहली दफ़ा खाई थी तो इसीलिए मैं अभी वो बना रही हूँ। इसमें बस टमाटर ऐड होता है, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और नमक, थोड़ा सा लेमन इसमें यूज़ करती हैं और हसब ज़रूरत पानी डालना होता है, तो बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। तो अभी बस मैंने वो चटनी बनाई है, साथ ही मैंने ये राइस जो है ना इनको मैंने गर्म होने के लिए ओवन में रखा है। स्टोव पे मैंने इसीलिए गर्म नहीं किया क्योंकि आपको पता है पैन वगैरह हो जाना था वॉश करने वाला, तो मुझे फिर दोबारा से सारे बर्तन वॉश करने पड़ने थे, तो इसलिए बस मैंने जान छुड़ाने वाली बात की, मैंने बस ओवन में इसको गर्म कर लिया और दोपहर का खाना हमने इसी तरह खा लिया। दोपहर का खाना माशाल्लाह खाने के बाद देखें उतनी देर में हमारा ये सालन रेडी हो गया था। आपको पता है जब भी मैं आलू फलियाँ बनाती हूँ ना मुझे मेरी खाला में बहुत याद आती हैं, मैं उनके पास रही थी तकरीबन 2 साल, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, खाना बनाना, बहुत सी घरदारी की चीज़ें सिखाई थी। तो अभी वो हयात नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत याद आती हैं।
खैर सॉरी सॉरी, अभी बस मैंने आटा गूंथ लिया है, साथ ही मैंने रोटी बना के रख दी है दादाबू के लिए, क्योंकि कल वो हमारे साथ गए थे, आज वो साथ नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चों ने इतना हमें जलील करना होता है ना गाड़ी में, बहुत तंग करते हैं, कभी आगे कभी पीछे कभी इधर उधर, तो वो इस तरह ना थोड़ा तंग आ जाते हैं इनकी हरकतों से, तो वो कह रहे थे मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग इनको ले जाना साथ। इसीलिए मैंने दादाबू की रोटी बना के अभी रख दी है, और साथ मैं ना एक पराठा बना लूँगी बिलाल लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है बिलाल लोग वहाँ पे तंग करते हैं और फिर इनको ना शॉप से कुछ ना कुछ ले के देते हैं इनके बाबा, तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि ये शॉप की चीज़ें खाएं, इसीलिए मैंने इनके लिए ना एक पराठा बना लिया। हाफ़ पराठे के ऊपर मैंने अचार लगाया है, हाफ़ पराठा मैंने सिंपल रखा है मुसना के लिए, क्योंकि मुसना को अचार अच्छा नहीं लगता तो वो सिंपल ही खाती है, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए छोटे छोटे से ये रोल बना लिए हैं। साथ थोड़ा सा मैंने फ्रूट रख लेना है और इनका एक एक फीडर बना के रख लेना है, तो ये मैंने साथ जाने के लिए भी तैयारी कर ली है, और दादाबू का खाना भी यहाँ पे बना के रख दिया है। हम लोग जब आएंगे तो उसी टाइम हम अपनी रोटी बना के ना खा लेंगे। तो बस जी ये देखें, आप ना खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि जब आपने पूरे घर को भी मैनेज करना है, आपने अपने बाहर वाला काम भी देखना है, तो बहुत मुश्किल होता है। आप यकीन करें मेरे ना तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं रोज़ के, तो मुझे घर में भी सब कुछ जल्दी से जल्दी समेटना पड़ता है, और बस जाने की तैयारी जब होती है ना तो वो भी टाइम पता ही नहीं चलता, मिनटों में गुजर जाता है। अभी मैंने बाहर से पूरा झाड़ू वगैरह लगाया है, दोबारा से पूरे घर को समेटा है, बेडरूम तो खैर मेरा बिल्कुल गंदा नहीं होता, सुबह उठ के मैं एक दफ़ा क्लीन करती हूँ, फिर रात को जब तक सोना हो ना उस टाइम तक वो क्लीन ही रहता है। बेडरूम में बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाते, लेकिन यहाँ सीटिंग एरिया में ये बहुत उधम आ जाते हैं, तो इसीलिए बस मैंने दोबारा से ये समेट के सेट करके सोफ़ा वगैरह, तो ब्रश लगा दिया है सिंपल, क्योंकि कोई दाग वगैरह नहीं है फर्श पे, कोई ज़्यादा डस्ट भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने फिर ओनली ब्रश लगाया किचन में हर जगह पे। साथ ही मैंने मशीन लगा दी है ताकि जब मैं आऊँगी तो कपड़े वॉश होके ड्राई हो चुके होंगे, बस आके मैंने रोटी खानी है और इन कपड़ों को मैंने सूखने के लिए डाल देना है, और इंशाल्लाह फिर हमने सो जाना है। तो अभी बस मैं बच्चों को रेडी कर लूँगी, जल्दी जल्दी से मैंने इनके कपड़े प्रेस करके दिए हैं, और बिलाल अपना फेस खुद ही वॉश कर लेता है, हैंड वगैरह वॉश कर लेता है, लेकिन मुसना को ना प्रॉपर अभी सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह बिलाल की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ। बिलाल माशाल्लाह जैसे ही 5 ईयर का हुआ है ना तो इसने अपने आधे से ज़्यादा काम अपने खुद ही करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखें मुसना को ना बचाना पड़ता है, मुसना को नहीं खुद पता चलता कि मुझे आयरन लग जाएगी, मेरा फेस जल जाएगा, कुछ भी, इसको ना बचाना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह बिलाल को पूरी समझ है, उसको हर चीज़ का पता है कि ऐसा करने से चोट लग जाएगी या कोई भी नुकसान हो जाएगा, तो वो माशाल्लाह बहुत समझदार है, उसका मुझे ज़्यादा डर नहीं रहता। अभी यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, साथ बिलाल के बाबा भी आ गए हैं, और मुसना देखिए कैसे खुश हो रही है, बाबा बाबा बाबा, और बाबा ने मुसना का मंकी सामने लटका के रखा हुआ है। खैर वहाँ जाके मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाती, ज़रा सी भी वीडियो नहीं लेती, क्योंकि बहुत सख्ती होती है, ऐसे मोबाइल नहीं यूज़ करने देते ना ही क्यों वीडियोस बनाने देते हैं। तो मैंने आपके लिए ना एक छोटा सा क्लिप लिया है, मेरा आज का भी माशाल्लाह दिन बहुत अच्छा रहा है। आज मैंने 90° रिवर्स पार्किंग सीखी है, सॉरी पैरेलल पार्किंग सीखी है आज मैंने, तो वही मैंने बैक साइड पर भी लिखी हुई है ताकि मुझे ये भूले ना, जब भी मैंने याद करना हो, दोबारा से सोचना हो, समझना हो, तो मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए कुछ, तो इसलिए मैंने ये सारा लिख लिया था। लेकिन आपने मेरी राइटिंग पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करने, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। खैर हमने वहाँ से निकल के फिर यहाँ शॉप पे आके कुछ चीज़ें ली थी, क्योंकि इस टाइम तक मुझे भी हल्की फुल्की सी भूख लगी होती है, और बच्चे तो माशाल्लाह से ना आदी हो चुके हैं, इनको मैंने जितना बचा के रखा है ना अभी तक शॉप से, कभी मैंने इनको ऐसी चीज़ें नहीं खाने दी थी, लेकिन अब ये थोड़े से फ्री हो गए हैं ज़्यादा मुसना की वजह से, क्योंकि मुसना की हर डिमांड पूरी होती है, तो मुसना के लिए ही शॉप पे जाके चीज़ ली जाती है, साथ हम सब भी फिर खाना शुरू हो गए हैं। खैर वहाँ से हम घर वापसी आ रहे थे अभी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, क्योंकि हमने रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा, तो इसी वजह से पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गई थी। घर आके हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, और आज माशाल्लाह शबे बारात थी, ये उस दिन का व्लॉग है जब शबे बारात थी। हमने अपने सफ़र के दौरान भी पूरी कोशिश की थी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार करें, दुरूद पाक पढ़ें, और बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि मम्मा आज क्या है ये वो, तो हमने इनको भी बताया, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हमसे ही सीखेंगे,
जो माँ बाप ने करना है वही देख के बच्चों ने करना है। खैर यहाँ पे इन लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि बहुत सारी मस्तियाँ की। मुसना ही नहीं बिलाल से संभाली जा रही थी, मुसना बिलाल को बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो बेचारा पकड़ के लाता है और ये फिर भाग जाती है। खैर इनको सुलाने के बाद मैंने अच्छी तरह से इबादत की थी। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।